Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation, because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Friends, today I will speak about the 12th video of the economics. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन से. विद रेफरेंस टू द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ बास्केट ऑफ द सिक्योरिटीज दैट कैन बी ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी शेयर्स. मतलब सिक्योरिटी की एक बास्केट है ये, मतलब एक बाल्टी है, बकेट है जो सिक्योरिटी की है. दैट कैन बी ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी शेयर्स. शेयर्स की तरह इनको ट्रेडेड किया जा सकता है. सेकेंड है, कंपेयर टू द ETF, म्यूचुअल फंड्स हैव मोर लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी. मतलब कंपेरिजन करें इनका अगर म्यूचुअल फंड से, तो इनकी मोर लिक्विडिटी होती है या मार्केटेबिलिटी होती है. थर्ड है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ एन ETF मैकेनिज्म टू डिसइन्वेस्ट द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज. जो PSU हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं, उनका मान लो शेयर के लिए ETF का यूज़ किया जाता है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. अगर साथ ही साथ अटेम्प्ट करते रहोगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इजी से आप सॉल्व कर दोगे. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज ए बास्केट ऑफ सिक्योरिटी दैट कैन बी ट्रेडेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी शेयर. सामान्य शेयर की तरह उनको ट्रेडेड किया जा सकता है, बेचा और खरीदा जा सकता है. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड्स ETF हैव मोर लिक्विडिटी एंड मार्केट एबिलिटी. मतलब कंपेरिजन करें इनके म्यूचुअल फंड से अगर हम, तो ये ETF है मोर लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी एज दे आर ट्रेडेबल इन द स्टॉक एक्सचेंज. म्यूचुअल फंड सेलिंग विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर एट द क्लोज ऑफ द डे. मतलब म्यूचुअल फंड्स को जो क्लोज ऑफ द डे होता है उस शेयर रुपए पे बेचा जाता रेट पे. ऑन दी अदर हैंड शेयर ऑफ द ETF आर ट्रेडेड थ्रू आउट द डे. तो ETF के जो हैं थ्रू आउट द डे इनका फ्लक्चुएशन होता रहता है. एंड एट एनी मोमेंट एन ETF कैन बी बोट एंड सोल्ड. तो ETF क्या खरीदा भी जा सकता है किसी टाइम पे या सोल्ड भी किया जा सकता है. बट शेयर्स को जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको दिन के एंड में ही किया जा सकता है ऐसा. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ एन ETF मैकेनिज्म टू डिसइन्वेस्ट द शेयर्स ऑफ द PSU जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं जैसे LIC वगैरह हैं उनके लिए यूज़ किया गया. द आइडिया इज़ टू एक्यूमुलेट द शेयर्स ऑफ द सिलेक्टेड PSU प्रपोज फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट अंडर ए सिंगल फंड दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ द ETF. दीज अक्यूमुलेटेड शेयर्स आर देन डिवाइडेड इंटू डिफरेंट यूनिट शेयर्स एज इन द केस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स. तो जो अक्यूमुलेटेड शेयर्स होंगे उनको डिवाइडेड किया जा सकता है म्यूचुअल फंड की तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम. सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट है, द ग्रिड साइजेस फॉर टेकिंग सैंपल्स आर बेस्ड ऑन द सोयल वेरियोग्राम. तो ग्रिड साइज है, ग्रिड का साइज क्या होता है, टेकिंग द सैंपल ऑफ द बेस्ड ऑन द सोयल वेरियोग्राम. मतलब अगर हम मतलब सोयल हेल्थ कार्ड के लिए सैंपल लेते हैं तो जैसे कितनी लंबाई या गहराई या चौड़ाई पे लेना है उस पे डिपेंड करता है, या वेरियोग्राम तो या सोयल के उसके फीचर्स पे डिपेंड करता है. सेकंड है, माइक्रोबायोलॉजिकल इंडिकेटर्स सच एज बैक्टीरियल कंटेंट इन द सोयल सैंपल्स आर नॉट टेस्टेड. क्या उन्होंने सोयल सैंपल में बैक्टीरिया हम काउंट नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं. थर्ड है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सोयल इज़ नॉट टेस्टेड. क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट की जाती है. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें ये बताना है. हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, तभी हम क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट कर पाएंगे. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट, सी है सेकंड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है,
सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम इज ए स्कीम प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. इट इज़ मीन टू गिव ईच फार्मर द सोयल न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द हिज होल्डिंग एंड एडवाइज हिम ऑन द डोजेज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड ऑल्सो द नीडेड सोयल अमेंडमेंट्स. मतलब सोयल हेल्थ कार्ड का क्या मतलब होता है कि सोयल हेल्थ कार्ड आपके पास हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपकी मिट्टी कैसी है, इसमें कितना खनिज लवण डालना है, कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना क्या डालना है, तो आपको पता चल जाएगा इससे. तो ये किसका इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द ग्रिड साइज फॉर टेकिंग सैंपल्स इज फिक्स्ड. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द सोयल वेरियोग्राम और सोयल वेरिएबिलिटी इंडेक्स. सोयल सैंपल्स आर कलेक्टेड बाई ए ट्रेंड पर्सन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द 15-20 सेंटीमीटर्स बाई कटिंग द सोयल इन ए वी शेप. मतलब ग्रिड साइज क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता. ग्रिड साइज फॉर टेकिंग सैंपल इज फिक्स्ड, फिक्स किया गया. नॉट बेस्ड ऑन द सोयल वेरियोग्राम, सोयल वेरिएबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं उसको. सोयल सैंपल्स आर कलेक्टेड बाई ए ट्रेंड पर्सन विद द डेप्थ ऑफ द 15-20 सेंटीमीटर. 15-20 सेंटीमीटर कटिंग करनी है सोयल की वी शेप में. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. माइक्रोबायोलॉजिकल इंडिकेटर्स सच एज बैक्टीरियल कंटेंट इन द सोयल सैंपल आर नॉट टेस्टेड. बैक्टीरियल कंटेंट नहीं टेस्ट किए जाते हैं. HSC सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम कंटेन्स द स्टेटस ऑफ द सोयल कलेक्टेड एज ए सैंपल विद रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर्स. नेमली पैरामीटर कौन कौन से? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम. सेकेंडरी न्यूट्रिएंट लाइक सल्फर. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरोन. एंड फिजिकल पैरामीटर्स लाइक पीएच स्केल क्या है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, ऑर्गेनिक कार्बन कितने. बेस्ड ऑन दिस फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन सोयल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फार्म आल्सो प्रोवाइडेड. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. एज मेंशन अबव द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोइल्स इज टेस्टेड एज पर द SHC स्कीम. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हम मापते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब 10th क्लास से पहले जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट है. इट एम्स टू हेल्प. इसका जो निशाना है, इसका लक्ष्य है स्टूडेंट और माइनॉरिटी कम्युनिटी के को हेल्प करना, बच्चों को विद एनुअल इनकम बिलो दिन 1 लाख, 1 लाख रुपये अगर उनकी कम इनकम है. सेकेंड है. द स्कॉलरशिप इज अवार्डेड फॉर स्टडीज इन गवर्नमेंट स्कूल ओनली. स्कॉलरशिप क्या प्रोवाइड होती है? सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए अवेलेबल रहती है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी है दोनों गलत हैं. तो इसका ए आंसर करेक्ट है. प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है? स्कीम इज ए सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप. सेंटर फंड करता है इसको फॉर द स्टूडेंट इन ऑल स्टेट्स विच ओपन्स एवरी ईयर हैज़ टू बी अप्लाइड बिटवीन द अगस्त एंड नवंबर. अगस्त और नवंबर के बीच में अप्लाई किया जाता है इसके में. और फ्रेंड्स हमें ये क्वेश्चन पढ़ने से क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का पता चलेगा. अगर हम एस्पिरेंट नहीं हैं फिर भी हमें पता चलेगा कि किसी बच्चे को बता सकते हैं. जैसे अगस्त एंड नवंबर में ये भरे जाते हैं इसके फॉर्म. इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर भरे जाते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. इट एम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज विच आर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसी, जैन्स एंड बुद्धिस्ट फ्रॉम दी फैमिलीज विद एनुअल इनकम बिलो देन 1 लाख. 1 लाख से अगर उनकी फैमिली की इनकम कम है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया जाता है. अगस्त और नवंबर में इसके फॉर्म निकलते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड फॉर द स्टडीज इन द गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल क्लास 1-10. 1st से 10th तक पढ़ाई करने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप जाती है और गवर्नमेंट स्कूल और या प्राइवेट स्कूल में भी हो. इंक्लूडेड सच एज रेजिडेंशियल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, एलिजिबल प्राइवेट इंस्टीट्यूट सिलेक्टेड एंड नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी कंसर्न. मतलब उस कंसर्न में यूटी में या स्टेट में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाती है, नोटिफाइड किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू द डाटा प्रेजेंटेड इन द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बजट के बारे में कुछ बात की गई है. फर्स्ट स्टेटमेंट है. इट गिव्स द एक्चुअल्स फॉर द ईयर 2019-20. क्या 21-22 में जो बजट आया, क्या उसमें एक्चुअल्स दिया जाता है कितना खर्चा हुआ 19-20 का. सेकेंड है. इट गिव्स रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2022-21.
थर्ड है इट गिव्स बजटरी एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2021-22। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों ही इसके करेक्ट हैं। बजट कंटेन्स द एक्चुअल डाटा ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनल ईयर, जो पहले गया हुआ है उसका बजट का एग्जैक्ट डाटा होता है। वन ईयर बिफोर द ईयर इन विच बजट इज रिप्रेजेंटेड, जिस साल में बजट प्रेजेंट किया जाता है उससे एक साल पहले का। दस द फॉर द बजट 2021-22 द एक्चुअल डाटा कंटेन्स द डाटा ऑफ द 2019-20। मान लो 2021 में प्रेजेंट किया जा रहा है तो एग्जैक्ट डाटा 19 और 20 का रहेगा आपके पास। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बजट प्रोवाइड्स द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर का रिवाइज एस्टिमेट्स बता। दस दी बजट 2021-22 कंटेन्स द रिवाइज डाटा फॉर द ईयर 2022-21। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बजट आल्सो गिव्स द बजटरी एस्टिमेट्स ऑफ द ईयर दैट फ्लोज द ईयर इन द विच बजट इज प्रेजेंटेड। दस बजट 2021-22 गिव्स द बजटरी एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2022। बजटरी एस्टिमेट्स 2021-22 का ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एमएसएमई की नई डेफिनेशन दी गई उसके बारे में स्टेटमेंट। फर्स्ट है देर इज एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट्स क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाइंग एमएसएमई। क्या इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई गई है, क्लासीफाई की गई है एमएसएमई में। टर्नओवर एज एन एडिशनल क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाइंग एमएसएमई हैज बीन इंट्रोड्यूस, मतलब टर्नओवर को क्या एमएसएमई का एक पैरामीटर बताया गया है। थर्ड है देर इज ए क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर। क्या सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्लियर डिमार्केशन किया गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। द रिविजन इन द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वॉज मेड अंडर द यूनियन गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत पैकेज। स्टेटमेंट वन करेक्ट है, द एमएसएमईज हैव बीन रीडिफाइंड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज एंड टर्नओवर साइज। जो एमएसएमई है रीडिफाइंड की गई है इन्वेस्टमेंट लिमिट पे, कितनी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसके और टर्नओवर का भी चेंज किया गया है। जैसे ये सीरियल नंबर है, ये साइज ऑफ द यूनिट है, या प्रीवियस लिमिट कौन कौन सी थी फॉर मैन्युफैक्चरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट लिमिट टर्नओवर। माइक्रो यूनिट के लिए क्या है, प्रीवियस लिमिट 25 लाख थी बट अब क्या हो गया 1 करोड़ हो गया है, 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में माइक्रो। स्मॉल है 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच का हो गया, पहले 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में था, मतलब 1 करोड़ से 5 करोड़ मीडियम मान लो। अब जो रिवाइज्ड हमें याद रखना है, 1 करोड़ से 5 करोड़ रिवाइज मीडियम माइक्रो, स्मॉल है 10 करोड़ से 50 करोड़ और मीडियम है 5 करोड़ से 10 करोड़, मतलब 50 से 250 करोड़ अब जो न्यू लिमिट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, द रिवाइज डेफिनेशन हैज़ इंट्रोड्यूस द एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर का भी क्राइटेरिया आ गया है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एज पर द रिवाइज डेफिनेशन द प्रीवियस डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर हैज़ बीन एलिमिनेटेड। ए कंपोजिट क्राइटेरिया इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ऑफ फोर एमएसएमई बिलोंगिंग टू बोथ सेक्टर हैज़ इंट्रोड्यूस। जो रिवाइज था डेफिनेशन थी, द प्रीवियस डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर हैज़ बीन एलिमिनेटेड, मतलब अब सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया गया है और उसको भी टर्नओवर के बेस पे ही, हम इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर के बेस पे ही सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया गया है एमएसएमई की डेफिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 एंड फ्रेंड्स ड्यू टू सम सिचुएशन आई हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो आउटसाइड माई हाउस, प्लीज़ बियर अलोंग विद मी बिकॉज लॉट ऑफ द बर्ड्स आर चर्पिंग हेयर एंड यू विल हैव टू बियर द साउंड ऑफ द बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स हेयर। स्टार्टअप इन रिकॉग्नाइजेशन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। स्टार्टअप्स के बारे में बात की गई है, स्टार्टअप्स की काउंटिंग में कौन लिया जाता है। एन एंटिटी इज कंसिडर्ड एज ए स्टार्टअप
अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब जब से कोई फैक्ट्री कंपनी लगाई गई है उससे 10 साल तक वो उसमें स्टार्टअप्स की काउंटिंग में आती है क्या इसके लिए। सेकंड है, टर्न ओवर ऑफ ए कंपनी शुड बी लेस देन दी 100 करोड़ इन एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन, जब से कंपनी लगाई है उसका टर्न ओवर 100 करोड़ से नीचे होना चाहिए किसी भी साल में। थर्ड है, ए कंपनी फॉर्म बाई स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी स्टार्ट, मतलब कोई कंपनी बड़ी कंपनी को स्प्लिट किया गया तो उसको स्टार्टअप में काउंट नहीं किया जाएगा क्या। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो उसका करेक्ट सॉल्यूशन डी है। अंडर द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान स्टार्टअप्स दैट मीट द डेफिनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द GSR नोटिफिकेशन 127 क्लोज ई आर एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर रिकॉग्निशन अंडर द प्रोग्राम। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में एक डेफिनेशन दी गई नोटिफिकेशन में कि कौन सा स्टार्टअप की कैटेगरी में आएगा। स्टार्टअप शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स द इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के इनोवेशन में काम आना चाहिए। सर्विसेज एंड प्रोसेस शुड बी हैव पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट वेल्थ, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए, वेल्थ क्रिएट होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एन एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज ए स्टार्टअप अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब किसी भी को 10 साल तक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से काउंट किया जाता है स्टार्टअप में। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। टर्न ओवर शुड बी लेस देन दी 100 करोड़ इन एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, टर्न ओवर 100 करोड़ से भी नीचे होना चाहिए एक साल में। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ए कंपनी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड ए स्टार्टअप, मान लो कोई स्प्लिट की गई है कंपनी उसको स्टार्टअप के क्राइटेरिया में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडरिंग फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे सीरियल नंबर, कट मोशन या डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है इकोनॉमिक कट, रिड्यूस द अमाउंट बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट, इकोनॉमिक कट है मतलब अमाउंट को रिड्यूस कर दें स्पेसिफाइड अमाउंट तक। सेकेंड है टोकन कट, रिड्यूस द डिमांड रेट 100 रुपये टोकन कट है क्या उसमें कर दें। पॉलिसी कट है क्या डिमांड को 1 रुपये पर पहुँचा दें जो डिमांड ग्रांट किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द मोशन फॉर इकोनॉमिक कट इंटेंड्स टू रिड्यूस द डिमांड बाय ए स्पेसिफाइड अमाउंट, दिस कैन आइदर बी एन एग्रीगेट रिडक्शन इन द डिमांड और ओमिशन और रिडक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ द डिमांड, मतलब या तो उसका एक सर्टेन अमाउंट रिडक्शन होगा जिससे क्या है मोशन इकोनॉमिक कट हो जाएगा, मतलब इकोनॉमिक पैसे में कट हो रहा है तो उसको 100 रुपये घटा दिया गया है तो उसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक कट। सेकंड है इनकरेक्टली मैच है, द मोशन फॉर द टोकन कट इज पास टू एक्सप्रेस ए स्पेसिफाइड ग्रीवेंस दैट विद इन द स्फीयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इंटेंड्स टू रिड्यूस द डिमांड बाई 100, मतलब टोकन कट है क्या 100 रुपये ही घटाए, 100 रुपये ही कम किए तो टोकन कट हो गया। अगर उसको सर्टेन अमाउंट घटा रहे थे तो इकोनॉमिक कट था, कुछ पैसे सर्टेन अमाउंट के पैसे घटाने हैं 100 घटाने नहीं है, तो इसलिए हमें याद रखना कि पहले में 100 रुपये नहीं एक सर्टेन अमाउंट घटानी है, 100 में तो टोकन कट है, ये 100 रुपये का टोकन कट है, इकोनॉमिक कट है कि उसको सर्टेन अमाउंट तक घटाना है। एंड थर्ड है पॉलिसी कट, पॉलिसी कट क्या है उसको मतलब पॉलिसी को कट कर दो उसकी अमाउंट सिर्फ 1 रुपया बचा दो। दिस रिप्रेजेंट्स डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइन द डिमांड, द डिस्कशन रिमेन्स कन्फाइंड टू द पर्टिकुलर पॉलिसी इज ओपन टू मेंबर्स एडवोकेट एंड अल्टरनेट पॉलिसी, कोई अल्टरनेट पॉलिसी लेके आओ इसके लिए सिर्फ 1 रुपया रख दिया है। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिक्योरिटी मार्केट के बारे में बात की गई है। फर्स्ट है वाइल प्राइमरी मार्केट सप्लाइज फंड्स टू ओनली बडिंग एंटरप्राइजेज, सेकेंडरी मार्केट फंड्स एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज। प्राइमरी मार्केट क्या जो नए एंटरप्राइज खुले हैं उनके लिए, सेकेंडरी मार्केट क्या है जो एग्जिस्टिंग है उसके लिए। सेकेंड स्टेटमेंट है सिक्योरिटी कैन बी सोल्ड ओनली वंस इन प्राइमरी मार्केट वाइल दे कैन सोल्ड मल्टीपल टाइम्स इन द सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटी को क्या सोल्ड किया जा सकता है प्राइमरी मार्केट में एक बार वाइल जो
मल्टीपल टाइम्स क्या सेकेंडरी मार्केट में सेल किया जा सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट एज ए मेथड ऑफ द फ्लोटेशन ऑफ द सिक्योरिटी इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी मार्केट एंड नॉट इन द प्राइमरी मार्केट। मान लो प्राइवेट का प्लेसमेंट क्या है फ्लोटिंग का सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में होता है प्राइमरी मार्केट में नहीं होता है क्या। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है सेकेंड ओनली। तो इसका डी आंसर करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग टू द बोथ न्यू एंड ओल्ड कंपनीज फॉर देयर एक्सपेंशन। प्राइमरी मार्केट क्या देती है फाइनेंस को करती है न्यू और ओल्ड कंपनी के लिए देयर एक्सपेंशन के लिए एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी द सेकेंडरी मार्केट डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू द कंपनीज एज दे इन्वॉल्व द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटी दैट हैव ऑलरेडी बीन इश्यूड इन द प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इनके लिए पैसा अवेलेबल नहीं कराती है क्योंकि वो प्राइमरी मार्केट का काम है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड ओनली वंस, एक बार ही बेची जा सकती है प्राइमरी मार्केट में। वेयर एज इट कैन बी डन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन द केस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में बहुत बार बेची जा सकती हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड द सिक्योरिटीज आर डायरेक्टली सोल्ड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है सिक्योरिटी डायरेक्ट सोल्ड की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, म्यूचुअल फंड्स एंड हाई वर्थ इन्वेस्टर को। प्राइवेट प्लेसमेंट एज ए मेथड ऑफ द फ्लोटेशन ऑफ द सिक्योरिटीज प्रेजेंट इन द प्राइमरी मार्केट नॉट इन द सेकेंडरी मार्केट। तो फ्लोटेशन क्या है प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल है सेकेंडरी मार्केट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है इट वॉज एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन विद इम्पोर्ट सो दैट लोकल रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज। इसका क्या निशाना था एम था रिप्लेसिंग करना सब्स्टिट्यूट करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को विद इम्पोर्ट्स सो दैट लोकल रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम उसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग से पूर्ति की जाए। सेकेंड है द एम वॉज टू इंक्रूज फॉरन कम्पिटिशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो फॉरन के लिए कम्पिटिशन बढ़ाना ही क्या इंडियन इकोनॉमी का काम था। थर्ड है द पॉलिसी वॉज अडोप्टेड टू सेव द क्रूशियल फॉरन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। मतलब हमारे पास फॉरन एक्सचेंज फॉरन का पैसा जमा रहता है आरबीआई में उसको बचाना ही इसका क्या काम है। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है फर्स्ट और सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है टिल द 7th 5-year plan। मतलब सातवां जो 5-year प्लान था उसमें ट्रेड वॉज करेक्टराइज बाय द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। मतलब इनवर्ड देखते थे हम, ज़्यादा लिबरलाइज नहीं थे, ना ही प्राइवेट मार्केट को दे रखा था सोर्स और ना ही FDI को अलाउड था। टेक्निकली द स्ट्रेटजी इज कॉल्ड द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब इम्पोर्ट हमें खरीदना नहीं है यहीं से सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट इनकरेक्ट है। दिस पॉलिसी एम दैट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। मतलब फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए ही तो हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया था। द एम वॉज टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन कंपटीशन। द पॉलिसी ऑफ द प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडस्ट्री ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट इन द पोजिशन टू कम्पीट अगेंस्ट द कंपनीज ऑफ द डेवलप इकोनॉमिक्स। डेवलप इकोनॉमिक के कंपेरिजन में हमारी यहाँ की कंपनी नहीं फाइट करने लायक थी, तो हमने इसको प्रिजर्व करने के लिए अपने डोमेस्टिक मार्केट को इसका यूज़ किया था। इट इज़ अज्यूम दैट इफ़ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री आर प्रोटेक्टेड दे विल लर्न टू कम्पीट इन द कोर्स ऑफ द टाइम। और वो अज्यूम कर लेंगी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो सकती हैं और आगे ये अपने आप को डेवलप कर लेंगे, उसके बाद हम LPG को लेके आएंगे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फियर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉरन एक्सचेंज बींग स्पेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द लग्जरी गुड्स इफ नो रेस्ट्रिक्शन वर इम्पोज प्लेस्ड ऑन द इम्पोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन वॉज प्रायोरिटाइज ओवर द इम्पोर्टेड गुड्स। तो क्या इसमें फियर था पॉसिबिलिटी कि फॉरन एक्सचेंज जो हमारे पास है वो हम उसको बाहर पास कर देंगे और खरीदने में चीज़ें, तो इससे क्या हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा जैसे 1990 में सिचुएशन आई थी और फिर आगे हमें इंटरनेशनल मार्केट में डाउन होना पड़ेगा, तो उसके सब्स्टिट्यूट के लिए प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी बोलते हैं इसको।
विद रेफरेंस टू द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR विच इज़ फ्रिक्वेंटली इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। NPR के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट है, इट इज़ ए रजिस्टर। NPR क्या? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। ओनली को हमें याद रखना है। सेकेंड है, द डाटा फॉर द NPR आर कलेक्टेड इन 2010 फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। 2010 में इकट्ठा किया गया था NPR के लिए क्या। थर्ड है, इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर इन द NPR। मैंडेटरी है क्या NPR में? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है सेकेंड एंड थर्ड। जिसका करेक्ट आंसर डी है, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है। NPR क्या है? कंडक्टेड किया जाता है। NPR इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसन कमिश्नर। मतलब जनगणना कमिश्नर द्वारा किया जाता है, रजिस्ट्रार जनरल द्वारा गणना की जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज ए रजिस्टर ऑफ द यूजुअल रेजिडेंट, नॉट सिटीजन। यूजुअल रेजिडेंट का रजिस्टर है ये। मतलब सिटीजन NRC अलग था जो आसाम में हुई थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, बट ये NPR है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये 2021 में भी हुआ है, ऑनलाइन टाइप में हुआ है। इसमें क्या है, जो 6 महीने तक रह रहा है वो आदमी और 6 महीने आगे रहने वाला है उस आदमी को काउंट किया जाता है, ये चाहे वो फॉरनर भी क्यों ना हो। एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट रजिस्टर इन दी NPR। कोई भी यूजुअल रेजिडेंट है उसको रजिस्टर करना है इसमें NPR में। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द NPR इज टू क्रिएट ए कम्प्रेहेंसिव आइडेंटिटी डाटा बेस ऑफ द यूजुअल एवरी यूजुअल रेजिडेंट इन द कंट्री। NPR वॉज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 एंड अपडेटेड इन 2015। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, द NPR इज बींग प्रिपेयर अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन एंड इशू ऑफ नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द NPR। Only Assam will not be included because NRC was recently updated in the state. Assam में NRC अपडेट की गई है और सबका NPR हुआ है, 2003 के रूल से होता है और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ही हम पावर लेते हैं। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions. And please share my video among your friends. And thanks for being with me. Bye.